Assalamualaikum, this is me Chef Shahina Shumail and you're watching Cooking with Shahina. और मैं आ गई हूँ आज आपके सामने दोबारा और एक लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी. और आज नई रेसिपी मैं नहीं यहाँ पर बनाऊंगी, आज नई रेसिपी बनाएंगी एक प्यारी सी गेस्ट. और उन्होंने हमें कॉल भी करी थी, हमारी कॉलर भी हैं वो, और उन्होंने कहा कि मैं आना चाहती हूँ. अगर आप भी आना चाहते हैं मेरे शो में तो आप जा सकते हैं वीनस एच टी वी के यूट्यूब चैनल पर जाके भी कॉमेंट कर सकते हैं, या आप उनके फेसबुक पेज पर भी जाकर वहाँ मैसेज कर सकते हैं. और नहीं तो शेफ शाहिना शुमाइल के नाम से मेरा अपना पेज है, फेसबुक पेज है, वहाँ जाकर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपने नंबर्स छोड़ दें. तो फिर जैसे ही होगा हमें तो हम आपको कॉल करेंगे और बुलाएंगे. इसी तरह आज यहाँ पर एक गेस्ट मौजूद हैं और गेस्ट को बुलाने से पहले मैं बता दूं कि आज रेसिपी क्या बना रही हैं वो. तो आज रेसिपी बना रही हैं वो पोटैटो पैटी बर्गर बना रही हैं, और उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो यहाँ पर आएंगी और ख़ुद आपको बताएंगी. तो मैं वेलकम करती हूँ अपनी गेस्ट का. तो मैं बुलाती हूँ नेहा जकी को. तो आइए. वालेकुम अस्सलाम नेहा, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है. अच्छा, वेलकम. और साथ साथ क्या बना रही हैं आज आप? पोटैटो पैटी बर्गर्स. पोटैटो पैटी बर्गर. मैं पहले ही नाम बता चुकी हूँ आप लोगों को. मैं जो है ना अपने व्यूवर्स को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाती हूँ, बता देती हूँ उनको, और जो है उनको उनसे कोई बात छुपाती भी नहीं हूँ, क्योंकि अब वो मेरी फैमिली में शामिल हो गए हैं और मैं उनकी फैमिली में शामिल हो गई हूँ. और साथ साथ जो इन्ग्रीडियंट्स हैं तो आप बताएँ. हमारे पास यहाँ पर इंग्रीडियंट्स हैं, आधा किलो आलू हैं मैश हुए हुए, और ये काली मिर्चें हैं 1 टीस्पून, चिकन पाउडर है ये भी 1 टीस्पून है, ज़ीरा है 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, ओरिगानो पाउडर है, और यहाँ पे हमारे पास सॉल्ट है, चाट मसाला है यहाँ पे, और ये लहसुन पाउडर है, ये हमारे पास हरा धनिया है, अनियन है, और ये कुटी हुई भी लाल मिर्चें हैं, वो हरी मिर्चें हैं. अच्छा, और ये क्या चीज़ है? ये हमारे पास है मैदा. सही. और ये ब्रेड क्रम्स हैं. ब्रेड क्रम्स है. जी. अच्छा, और इसकी कोटिंग आप एग से करेंगे, किस चीज़ से करेंगे? एग से करूँगी और फिर इसको इसमें टिप करके. अच्छा. उसको हम वो करेंगे. अच्छा, सही है. इंग्रेडिएंट्स इन्होंने बता दिए हैं यहाँ पर, और एक दफ़ा मैं भी आप लोगों को बता देती हूँ. तो यहाँ पर 1/2 kg पोटैटो लिए हैं इन्होंने, इसके अलावा 1 टीस्पून ये यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगी, साथ साथ चिकन पाउडर ऐड करेंगी, ज़ीरा ऐड करेंगी, कुटी हुई लाल मिर्च, ग्रीन चिली, ओरिगानो, चाट मसाला, नमक, लहसुन का पाउडर, धनिया, और यहाँ पर प्याज, और साथ साथ मौजूद है हमारे जो फ्राइंग की कोटिंग होती है. और आज हम एग वाली कोटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, है ना? एग वाली कोटिंग. yes. कर रहे हैं. एग है. अच्छा नेहा, मुझे साथ साथ ये बताएं, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप क्या करती हैं? मैं स्टडी कर रही हूँ और मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करती हूँ. ज़बरदस्त जी. अच्छा, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग करती हैं, मतलब कोई क्लाइंट्स वगैरह अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं? जी, मेरा इंस्टाग्राम का पेज है. अच्छा, किस नाम से आपका पेज? ग्राफिक वर्ल्ड के नाम से. ग्राफिक वर्ल्ड के नाम से. और फेसबुक पे भी पेज है मेरा, नेहा जकी के नाम से. अच्छा, नेहा जकी, यानी कि आपके अपने नाम से फेसबुक पे भी पेज है. अच्छा जी, इंग्रेडिएंट्स तो आपको बता दिए गए हैं कि आज पोटैटो पैटी बर्गर में क्या जा रहे हैं, और साथ साथ इन्होंने अपना पेज भी आपको बता दिया है कि नेहा जकी के नाम से फेसबुक पेज है इनका, और ग्राफिक वर्ल्ड के नाम से इंस्टा का पेज है. तो इंस्टा का पेज इनका ग्राफिक वर्ल्ड के नाम से. तो अच्छा, साथ साथ जो है मुझे नेहा ये बताएं कि फारिग टाइम में क्या करती हैं, क्या हॉबीज़ क्या हैं आपकी, क्या करना पसंद करती हैं, थोड़ा सा मुझे बताएं इस बारे में. जी, मैं स्टडी करती हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ही काम करती हूँ. मतलब पार्ट टाइम, यानी कि आप एडिटिंग और ये सारी चीज़ें कर रही होती हैं, लोगोज़ बना रही होती हैं, ब्रोशर्स बना रही होती हैं. अच्छा, और मतलब साथ साथ जो कोर्स आपने किया है, इसकी कोई टेक्निकली डिग्री ली है, या आप खुद से कर लेती हैं, तो क्या कर रहे हैं? नहीं, मैंने इसका कोर्स किया था पूरा. अच्छा. AMI एजुकेशन से, मतलब एक इंस्टीट्यूट है जी, वहाँ से किया था पूरा. अच्छा. 6 मंथ का कोर्स. ज़बरदस्त. और फ्रेंड्स वगैरह जो हैं आपकी, वो भी यही करती हैं या डिफरेंट डिफरेंट सब काम करते हैं? सब डिफरेंट डिफरेंट करते हैं, और मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करती हूँ. अच्छा, चले रेसिपी की जानिब चलें. जी जी, स्टार्ट करें. सही है. सबसे पहले हमारे पास ये आलू है, इसमें हम लोग डालेंगे. अच्छा, मैं आपको 1 टीस्पून टेबल स्पून दे दूं? जी, आप मुझे स्पून दे दीजिए. जी, जो तो बन रहे हैं यहाँ पर हमारे पास 1 टीस्पून है, हमारे पास जीरा है, ये हम इसमें ऐड करेंगे. ठीक है, जीरा आपने ऐड किया है 1 टीस्पून. ये काली मिर्च पाउडर है, ये ऐड करेंगे. सही, काली मिर्च पाउडर कितना डाला था? 1 टीस्पून. 1 टीस्पून ही काली मिर्च. ये कुटी हुई लाल मिर्च है, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून, और थोड़ी सी हम छोड़ देंगे उसमें डालने के लिए. ठीक है, ब्रेड क्रम्स के अंदर. ठीक है, और ये हमारे पास चिकन पाउडर है, ये भी हमारे पास 1 टीस्पून है, ये भी इसमें हम शामिल करेंगे. ज़बरदस्त. सॉल्ट जो है वो हम लोग 1/2 टीस्पून डालेंगे इसमें. अच्छा, और सॉल्ट डाल, मतलब 1/2 टीस्पून इसलिए डाल दें कि हम इसमें चिकन पाउडर ऐड करते हैं. जब भी चिकन पाउडर ऐड करेंगे हम, तो हम सॉल्ट हम लोग कम डालेंगे. ठीक है, ये हमारे पास चाट मसाला है, ये हम 1 टेबल स्पून डालेंगे इसमें पूरा.
जबरदस्त, बहुत मज़ेदार, मुझे तो बर्गर्स बनते हुए लग रहे हैं। और आज मैं बिल्कुल फ्री फ्री हूँ। ये लहसुन पाउडर इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। उसके बाद हम इसमें धनिया डालेंगे। ये हमारे पास चॉप हुई हुई प्याज है, हाफ अनियन है पूरी, इसको हम इसमें डालेंगे। उसके बाद ये मिर्चें हैं कुटी कटी हुई, इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, अच्छा अब आप इसके क्या करेंगे? इसको हम मिक्स करेंगे और फिर हम इसके कबाब बनाएंगे। अच्छा जी, ज़बरदस्त से बर्गर्स बन रहे हैं और नेहा जकी यहाँ पर मौजूद हैं और बर्गर्स बना रही हैं। अच्छा नेहा, साथ साथ जो है ना, मतलब खाने में आपको क्या पसंद है? मुझे खाने में ज़्यादातर फास्ट फूड आइटम। फास्ट फूड, यानी कि सारे टीनेजर्स जो हैं उनको फास्ट फूड पसंद है, और स्पेशली मैं क्या करूँ, मैं इतनी मजबूर हूँ, एक तो मुझे फ्राइड आइटम्स, फास्ट फूड इतना पसंद है, नहीं खाना चाहिए, प्लीज़ नहीं खाया करें, नहीं खाया करें, क्या करें, मैं इतना अवॉइड करती हूँ, मैं सोचती हूँ मैंने, लेकिन आज भी मैंने शाम को चाय के साथ ना मज़ेदार से चीज़ रोल खाएं, और मैं सोच रही थी वो चीज़ रोल भी आपको बनाना सिखाऊं यहाँ पर, तो इंशाल्लाह बनाएंगे वो चीज़ रोल भी, बहुत मज़ेदार थे। अच्छा जी, क्या करेंगे आप? इसको मिक्स कर रहे हैं। सही, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें जितना भी मसाला है सारा वो मिक्स हो जाए। ज़बरदस्त। अच्छा नहीं, एक बात बताएं, ये आपने बनाने कहाँ से सीखे हैं पोटैटो पैटी बर्गर? मतलब आपकी मामा ने सिखाए हैं या आपने खुद से किसी सोशल मीडिया से देख के, या कहाँ से बनाने सीखे? मेरी मदर ने बनाने सिखाए। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है आलू के कबाब, आलू के पराठे, और जो है ना देसी वर्जन बहुत मुझे पसंद है, और कोशिश यही करती हूँ कि देसी खाने ज़्यादा बनाऊँ घर पर खाऊं। लेकिन बात यही है कि हर साल तमाम दुनिया के खाने इतने मज़ेदार होते हैं, तो हम जो है वो क्या करते हैं, अपनी कुजीन में हमने शामिल कर लिया ताकि हमें वैरायटी मिले। और साथ साथ नेहा, अच्छा ये मैश कर रही है ना, इसको बहुत अच्छे से मैश कर रही है ताकि सारा मसाला मिक्स हो जाए। मिक्स हो जाए, ज़बरदस्त। ये टिप है और ट्रिक भी है कि बहुत अच्छे से मैश करना। ये मिक्स हो गया हमारा मसाला सारा। ज़बरदस्त। अच्छा अब क्या करेंगे आप? अब मैं इसके कबाब बनाऊँगी। ठीक है जी। अच्छा अब आप इसके कबाब बनाएं, और इतने बैटर के देखते हैं हम कितने कबाब बनते हैं। हाफ के जी यहाँ पर इन्होंने पोटैटोज लिए हैं। अच्छा जी, मज़ेदार से यहाँ पर बन रहे हैं पोटैटो कबाब, और नेहा की जो है वो मामा ने सिखाए ये कबाब उन्हें बनाने। अच्छा और मुझे ये बताएं, साथ साथ घर में जो है ना मामा की हेल्प कराती हैं कुकिंग में? जी थोड़ी बहुत। अच्छा थोड़ी बहुत, यानी कि ज़्यादा नहीं हेल्प होती है? जी सही। अच्छा मतलब खाना जैसे फास्ट फूड जंक फूड पसंद है, पकाना क्या पसंद है, मतलब घर में कौन सी आइटम? देसी आइटम। चलो एक बच्ची आई है देसी वाली यहाँ पर ना भाई। ज़बरदस्त, तो ये कबाब बन रहे हैं, और लेट्स सी कितने कबाब बनते हैं। जितने कबाब बनेंगे यहाँ पर उतने ही बर्गर्स बनेंगे। लाइफ में जब थी आप जी, तो जब करती थी कुकिंग, किचन में जाती थी या नहीं? नहीं, स्कूल लाइफ में जाती थी। नहीं जाती थी। जब मुझे बेकिंग का ज़्यादा शौक था। बेकिंग का शौक था। अच्छा बेकिंग में क्या क्या बना लेती हैं भाई? केक, कपकेक्स वगैरह। अच्छा, सब चीज़ों का शौक है जी। ज़बरदस्त। चलें किसी दिन आप दोबारा यहाँ पर आएंगी तो आप बेकिंग के आइटम्स बनाने, आपने कपकेक्स वगैरह बना के यहाँ पर सिखाने। तो बन रहे हैं यहाँ पर आलू के कबाब, और इसकी जो पैटी होती है वो थोड़ी सी बड़ी ही होती है, और मैं यही देख रही हूँ कि ये बिल्कुल परफेक्ट साइज ऑफ पैटी बना रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं, बहुत सारे लोग इसको बड़ा, बहुत बड़ा बना लेते हैं, तो इनका बिल्कुल परफेक्ट जो हमारे पैटी का साइज होता है वो ये बना रही है। और फाइव कबाब तो यहाँ पर बन गए हैं, यानी कि आज बन रहे हैं 5 to 6 बर्गर्स यहाँ पर बनने वाले हैं। और साथ साथ मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी जो मतलब घर में कितने फैमिली पर्सन हैं उनका थोड़ा सा बताएं, बहनें हैं, भाई हैं, और बहन बहन से ज़्यादा बनती है, भाई से ज़्यादा बनती है, लड़ाई किससे होती है,
या कोई अच्छा सा वाक्य सुनाएं कि कभी मेरी बहन ने मेरे साथ ये कर दिया या मेरे भाई ने मेरे साथ ये कर दिया, तो कुछ जरा मजेदार सा हमें बताएं। मेरी 3 बहनें हैं मुझे मिला के जी, और एक छोटा भाई है, वो तो बहुत छोटा है अभी। अच्छा जी। अच्छा, लड़ाई किससे होती है घर में सबसे? लड़ाई सबसे छोटी बहन से। सबसे छोटी बहन से? अच्छा, किस किस बात पे होती है? कामों पे लेकर होती है, मतलब कि ये मैंने कामों पे ही होती है। कामों पे ही होती है। अच्छा, वो कहती होगी कि आप करें और आप कहती होंगी कि वो करें, है ना? ये तो हर घर का हो गया है मसला। अच्छा, मेरे साथ एक चीज थी कि मेरी कोई बहन नहीं थी और मेरे माशाल्लाह 3 भाई हैं, तो मेरी जो है ना, मुझे मतलब एक हसरत ही रही कि मेरी कोई बहन होती और मेरी उससे लड़ाई होती, तो और भाई जो थे ना वो इतने ज़्यादा नहीं मुझे तंग करते थे कि बहुत ज़्यादा नहीं मेरे भाइयों ने मुझे तंग करा, लेकिन जो मेरी बहन नहीं थी कोई, तो इसलिए मेरी लड़ाई नहीं थी। चीज़ें भी मुझे मिल जाती थी सारी, क्योंकि ये होता है ना कि चीज़ों पर भी फायदा होता है, तो चीज़ों पर भी क्योंकि लड़ाई होती है कि मतलब कि ये लिपस्टिक मेरी है और तुम नहीं लगाओगी और ये कपड़े मैंने पहन लिए। अच्छा, आप शेयरिंग करती हैं मतलब आपस में बहनें? शेयरिंग करते हैं, लेकिन कपड़ों पे ज़्यादातर लड़ाई हो जाती है। अच्छा, लड़ाई हो जाती है। ज़बरदस्त। अच्छा, ये भाई यहाँ पर जो है वो इसकी पैटीज़ बन गई हैं, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ ऑफ पैटी इन्होंने बनाई है। नेहा, वेरी गुड। अच्छा, कुछ सोचा है कि मेरी कौन सी डिश अच्छी लगी है कि मैं वो वाली डिश ट्राई करूँ आपकी? जी, सोचा है मैडम। अच्छा, तो क्या कौन सी डिश? आपने एक डिश बताई थी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, मैंने उसको सेव भी किया था जी। अच्छा, जबरदस्त। आई थिंक चाउमीन तुमने सोचा होगा जी, चाउमीन याद आ गया, क्योंकि मुझे पता है ना इन लोगों को क्या पसंद है। और मतलब ऐसा होता है कि ये जो यूथ जनरेशन है ना, उनका ज्यादातर माइंड जो है ना, एक तो चाइनीज की तरफ, फॉरेन की तरफ है ना, तो मुझे पता था चाउमीन ही इनको ये होगा कि हाँ मैंने बनानी है। अच्छा, यूजुअली मुझे ना नहीं पसंद पास्ता, इटालियन में ना मुझे पिज्ज़ा बहुत पसंद है, और इसके अलावा जैसे पास्ता की वैरायटी मुझे पसंद नहीं है, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा मुझे कहना नहीं चाहिए, थोड़ा कच्चा कच्चा सा मुझे लगता है वो, तो जबकि मैं इसको ओवर बॉयल भी करती हूँ जब मैं घर पर, मैं यहाँ पर जो भी बनाया मैंने परफेक्ट बॉयलिंग करी है, लेकिन हाँ जो मैंने घर में बनाती हूँ ना, थोड़ा सा ओवर बॉयल होता है, क्योंकि मुझे जो है ना पास्ता नहीं पसंद नहीं है, तो शायद इस वजह से। अच्छा, चलते हैं बाकी की अपनी रेसिपी की जानिब, और अब आप क्या करेंगे इसको? आपने कोटिंग करनी है ना? अच्छा, तो हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे, तो हम आप ऐसा करेंगे एग्स इसमें यहाँ पर बाउल में कर लें, लेटस मैं यहाँ पर अपने बोर्ड पे रख लेती हूँ, बहुत ज़बरदस्त फ्रेश लेटस आज यहाँ पर आया है। अच्छा जी, तो अब आप ये एग, अच्छा जी, ये यहाँ पर जो है वो अब कोटिंग की तैयारी हो रही है, क्योंकि बर्गर्स का काफ़ी डिटेलिंग होती है और इसकी हमें सॉसेस भी बनानी होती हैं, साथ साथ हमें जो है ना इसकी फ्राइंग भी करनी होती है, तो हम अच्छा कोशिश करें जब भी आप बर्गर की जो पैटी हो ना उसको बहुत ज़्यादा जब उतार के थोड़ी देर उसको रेस्ट करके फ्राई करें। अच्छा, लाइए मैं इसको डिस्कार्ड कर देती हूँ। अच्छा, जब तक ये कर रही हैं एग को बीट, और जब तक टाइम है छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू, और ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस, और साथ साथ मौजूद है हमारे एक प्यारी सी गेस्ट, और इनका नाम है नेहा ज़की। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले भी बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था। अच्छा, आज बन रहे हैं यहाँ पर पोटैटो पैटी बर्गर, और साथ साथ इन्होंने बताया कि ये ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं और ग्राफिक करती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो आज पोटैटो जो पैटी बर्गर बन रहे हैं, इन्होंने पैटीज बना के रख दी थी, अब करने की बारी है पैटीज को कोटिंग करेंगे। कोटिंग करेंगे? अच्छा, कोटिंग कैसे करेंगे आप? सबसे पहले मैं यहाँ से कबाब लूँगी जी, ठीक है, उसको हम मैदे में डालेंगे। सही, आई थिंक आप कुछ फ्लेविंग करने का कह रही थी। हम लोग ओरिगानो भी ऐड करेंगे इसके अंदर ना, ब्रेड क्रम्स के अंदर साथ साथ, ठीक है, इसमें यही रखते हैं, यही रखते हैं, इजी ओके करें। और ये जो हमारे पास लाल कुटी हुई मिर्ची थी, हम इसके अंदर ये भी ऐड कर लेंगे। सही जी, ठीक है, और इसको हम लोग मिक्स कर लेंगे इसमें। ज़बरदस्त। अच्छा, और एग में कुछ डालेंगे या एग में हम लोग सॉल्ट डालेंगे? अच्छा, सही, थोड़ा सा पिंच लेंगे सॉल्ट को, ये हम इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और अब इसको मिक्स करके, ठीक है,
अच्छा ये मैदे में आपने किया, ठीक है अब हम इसको एग में डालेंगे, एग में डिप करेंगे थोड़ा थोड़ा हल्का सा। अच्छा ऑयल यहाँ पर ब्रेक पर हमने चढ़ा दिया था और इसको थोड़ा सा गर्म करने भी रख दिया हमने साथ साथ। अच्छा साथ साथ एक कॉलर भी है तो बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप शेफ शाइना शुमाइल बात कर रही हैं? जी बिल्कुल जी, कौन है हमारे साथ, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं नूर बात कर रही हूँ कराची से। जी नूर कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा प्रोग्राम देख रही हैं, आज एक गेस्ट मौजूद है हमारे साथ। जी जी आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह से, और जो अभी गेस्ट आई हैं वो भी बहुत स्वीट एंड क्यूट है। थैंक यू सो मच। अच्छा नूर मुझे ये बताएं कि क्या फरमाइश, कोई फरमाइश करेंगी? सैंडविचेस बनाना सिखाइएगा। सैंडविचेस? अच्छा सैंडविचेस किस टाइप के बनाना सिखाऊं आपको मैं? कोई से भी अच्छे से चिकन के। अच्छा चलिए जबरदस्त, अच्छे से चिकन के, यानी कि सैंडविचेस की मैं 2-3 वैरायटी सिखा दूंगी आपको। अच्छा और नूर इसके अलावा मुझे बताएं प्रोग्राम देखती हैं, कैसा लगता है आपको मेरा प्रोग्राम? जी आपका प्रोग्राम मैं देखती हूँ, आपका प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त है, आपके बात करने का स्टाइल, आपका समझाने का स्टाइल बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच नूर। अच्छा नूर आज नेहा आई है और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे सारे जो व्यूवर्स हैं देखने से उनमें से जो भी आना चाहें, अगर आप भी आना चाहें तो अपनी एंट्रीज भेज सकती हैं, और मेरे फेसबुक पेज भी है उस पर जाकर साइन कर दें अपनी डिटेल्स, तो फिर इंशाल्लाह हम कॉल करके आपको भी बुलाएंगे। ओके जी अल्लाह हाफिज। अच्छा अब आपने क्या, अच्छा ये बना के इस तरह से जी, अच्छा इसको साथ साथ आप इसमें डालना चाहें तो डाल सकती हैं। अच्छा ऑयल हम देख लेते हैं कि ये कितनी इसकी हीट हुई है ना, मैं अच्छा ऑयल कैसे चेक करती हैं आप, कैसे चेक करती हैं ये बताएं? ऑयल जब थोड़ा सा मतलब ज़्यादा गर्म ऑयल में डालेंगे हम लोग इसको। अच्छा जी ठंडे, बिल्कुल ठंडे ऑयल में ही डालना वरना हमारे कबाब जो है टूट जाएंगे। आज मैं डाल देती हूँ और ये बेक हो रहा है थोड़ा सा, कोई मसला नहीं है। दूसरा वाला हम ले लेते हैं और इसको हम शामिल करें ऑयल में और इसको फ्राई करेंगे मज़े से। अच्छा बहुत ज़्यादा मतलब नहीं डालने चाहिए पैटीज़ में, हमेशा ये बताती हूँ क्योंकि इससे क्या होता है कंजस्टेड हो जाती है जगह और फिर आपकी जो रेसिपी की जो लुक है ना वो ख़राब हो जाती है। ठीक है जी ये यहाँ पर हमने एक और रख दिया है फ्राई करने और बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, और आज नेहा बना रही है पोटैटो पैटी बर्गर और मेरी तो मोस्ट फेवरेट डिश है ये, और मुझे बड़ा अच्छा लगा इन्होंने जब कहा कि मैं यहाँ पर ये डिश बनाऊँगी तो मैंने फ़ौरन से कहा, मैंने कहा ज़बरदस्त, और ये आपकी अपनी चॉइस है आप यहाँ पर क्या चीज़ ऐसी बना सकती हैं, और बस कोशिश यही होती है कि जो रेसिपीज़ मैं बना चुकी हूँ वो ना हो और कोई डिफरेंट हो ताकि आप लोगों को डिफरेंट वैरायटी मिले। अच्छा जी अच्छा अब ऑयल को जो है ना हमें थोड़ा सा केयरफुली, मैं जो है ना प्रैक्टिस मुझे है आप लोग नहीं करिएगा ऐसे, या तो और ये देखें इस तरह से हम इसकी साइड जो है, ये देखें इसकी साइड जो होती है ना उसको फ्राई करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और अब मैं ले लेती हूँ एक स्पैचुला, और जो सबसे पहले हमने डाला था हम सबसे पहले उसको टर्न करेंगे, उसके बाद हम ये, इसका बहुत अच्छा कलर आया और ये। अच्छा साइड आपने कोशिश करनी है फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दें ताकि अच्छे से अंदर तक आलू जो है वो फ्राई हो जाए। अच्छा मैं इसमें वन मोर डालूंगी, उसके बाद जब मैं ये निकालूंगी तो वन मोर हम इसके अंदर ऐड करेंगे पैटी। और ये हमने यहाँ पर एक और डाल दिया, ठीक है बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, और बस जल्दी से ये बर्गर तैयार हो जाएं और मैं और नेहा इसको एंजॉय करने वाले हैं आज, है ना नेहा? जी आज नेहा की ये वाली रेसिपी जो है हम दोनों मिलके एंजॉय करने वाले हैं। अच्छा जी ये सारे ही इन्होंने माशाल्लाह कबाब जो है ना इन्होंने सारे ही कवर कर लिए हैं, और कितनी जल्दी और क्विक बनाए। अच्छा अब ये वाले जो कबाब है ना इसको हमने फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दिया था, और अब हम इसका कलर चेक कर लेते हैं, तो अभी नहीं हुआ है थोड़ा सा आधे से। अच्छा निकालने से पहले हमेशा जो है ना ऑयल को आपने थोड़ा सा हॉट कर लेना है। टिश्यू पेपर दे, टिश्यू चाहिए आपको, ले लीजिए।
अच्छा नेहा, आपके अलावा घर में कौन कुकिंग करता है? मेरी बड़ी सिस्टर करती है। अच्छा, बड़ी सिस्टर करती है जी। जबरदस्त, उनसे कुछ सीखा है आपने या सारा कुछ मामा से ही सीखा है? मामा से ही सीखा है, मामा ज्यादातर मामा ही करती है क्योंकि। अच्छा जी, मम्मा कैसा बनाती हैं खाना? मम्मा देसी फूड ज़्यादा बनाती हैं। अच्छा जी, वैसे रेसिपी जो आपकी मम्मा की है ये तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। और मुझे लग रहा है कि हाँ भाई, इनकी मम्मा बहुत अच्छा खाना बनाती होंगी क्योंकि बहुत ज़बरदस्ती जो है ना आज की इन्होंने रेसिपी शेयर करी है और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। परफेक्ट रेशो इन्होंने बताया है कि कोई भी चीज़ ऊपर नीचे नहीं है, बिल्कुल बैलेंसिंग इन्होंने सारे रेशोज बनाए। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। और साथ साथ हमारा वीनस HGTV का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर हम डेली करते हैं अपनी एपिसोड अपलोड। तो आप वीनस कुकिंग विद शाहिना वीनस लिखकर सर्च करें हमारी रेसिपीज़ को, कोई चीज़ मिस हो जाए और वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। साथ साथ हमें कॉल भी कर सकते हो, कोई रेमेडी पूछनी हो, कोई बात करनी हो तो हमसे कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है इसको हम फ्राइंग को, कबाबों को निकालेंगे। और मैंने हमेशा आपको ये चीज़ बताई है कि इस तरह से आपने इसको निकालना है। और देखेंगे हो गया है बिल्कुल परफेक्ट, साथ साथ जो है वो ये भी थोड़ा सा इसमें टाइम बाकी है। अच्छा, इसको हम कवर करेंगे, टर्न करेंगे इसको। फ्लेम को थोड़ा सा आपने मीडियम रखना है, उस वक्त लो करी थी मैंने, लेकिन अब आपने फ्लेम को मीडियम रखना है ताकि इसका एक्सेस ऑयल और बहुत प्यारा पैटी का कलर आया है। परफेक्ट कलर आया है इसको, बिल्कुल ज़्यादा मतलब डार्क ब्राउन नहीं करना कि जल ना जाए, नॉर्मल करना। थोड़ा सा इसमें और इसको हम एक साइड से इसका और करते हैं। अच्छा, कितने अब हमारे पास कबाब? अच्छा, ये तो सारे एक साथ ही आ जाएंगे, हम पहले इनको निकाल लेते हैं ताकि इनका टेम्परेचर एक ही रहे और फिर उसको हम निकाल। अच्छा नेहा, स्किन केयर की कोई मतलब रूटीन करती हैं आप, फॉलो करती हैं स्किन केयर की? मतलब आप जब कॉलेज जाती हैं जब तो कोई चीज़ लगा कर जाती हैं फेस पर? जी, कॉलेज के डेज में मतलब स्किन अगर ज़्यादा ब्लैक हो जाए आपकी तो फिर बेसन यूज़ करती हूँ मैं अपने फेस पे। ज़बरदस्त, तो यानी कि बेसन से क्या किस तरह यूज़ करती हैं, कोई पैक बनाती हैं फेस पैक या कोई पेस्ट की तरह बनाती हैं? जी, बेसन, मैं थोड़ा सा बेसन लेती हूँ, उसमें दही शामिल करती हूँ, बस वो अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। अच्छा, यानी कि बेसन लेती हैं, और कितना बेसन लेती हैं और कितनी दही लेती हैं? फेस के आप मुताबिक लेंगे वो अपने। अच्छा जी, यानी कि आई थिंक आप ये मैं चाह रही हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको पता चले, तो 2 टेबल स्पून बेसन लेती हैं? 2 टेबल स्पून लेती हैं। 2 या 3 टेबल स्पून हमने बेसन ले लिया, उसमें हम थोड़ी सी 1 या 2 टीस्पून हम उसमें दही शामिल करेंगे और फिर उसको अपने फेस पर अप्लाई कर लेंगे। अच्छा, पानी से घोलती हैं या सिर्फ आप जो है वो दही से घोलती हैं? दही से घोलती हूँ, अगर आप चाहें तो उसमें दूध भी शामिल कर सकते हैं, वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। जी, ज़बरदस्त, तो एक यानी कि स्किन केयर रेमेडी आप लोगों को मिल गई है। अच्छा, अब इसका ये करके ना फिर आप इसमें ये हम एक साथ करके फ्राई कर लेते हैं, फिर हम सॉस की तरफ आ जाएंगे, हमने सॉस बनानी है इसकी। अच्छा, और क्योंकि यहाँ नेहा जब आएंगी तो मैंने उनसे पूछा था आप किस तरह से रेसिपी बनाएंगी, तो उन्होंने फिर मुझे बताया था कि मैं इसमें सॉस बनाऊंगी, सॉस ऐड करूंगी और लेटस लगाऊंगी इसके अंदर और जो है वो बंस वगैरह के करेंगी, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने मुझे बताई थी। अच्छा, अब मैं इसको टर्न कर लेती हूँ, लेकिन अभी ये कलर नहीं आया इसका। और अब हम फ्लेम को थोड़ा सा, तो ये लास्ट वाला भी जो है वो मैंने यहाँ पर फ्राइंग के लिए रख दिया है, इसको मैं कर देती हूँ बैक पर। अच्छा जी, अब ये यहाँ पर हमने इसको फ्राई करने रखा हुआ है और इसको मैं अभी टर्न नहीं करी क्योंकि फ्लेम मैंने लो करी हुई थी, अभी मैंने फ्लेम थोड़ा सा हाई की है और पोटैटो पैटी के हम यहाँ पर जो है वो तैयार हो गए। अच्छा, बर्गर बंस को मैंने रखा हुआ है, मैंने अभी नहीं निकाला था, इसकी वजह ये थी कि ये थोड़ा सा अगर आप पहले से निकाल के खोल के शॉपर में से रख देंगे तो ये थोड़ा ड्राई हो जाएंगे और मौसम आपको पता है चेंज हो गया है, सर्दियाँ बिल्कुल आ गई हैं। सर्दियाँ कराची में इस तरह से नहीं आई हैं कि आप ये कहें कि हाँ हमें ठंड लग रही है, लेकिन जो अगर आप मौसम के अतबार से जो महीने होते हैं जैसे नवंबर स्टार्ट हो गया है तो यहाँ इस इन मतलब मौसम जो है ना विंटर की तरफ चला जाता है, लेकिन अभी विंटर जो है ना अभी विंटर कहने वाला सिर्फ अभी सीज़न वाला आया है, लेकिन हवा चलनी शुरू हुई है वैसी जो एक ड्राई करती है चीज़ों को। और ये मैं इसको अब टर्न कर रही हूँ। अच्छा, इसको साइड को करने के लिए मैं दोबारा से कर रही हूँ, बहुत केयरफुली अगर आप कर सकते हैं तो किया करें, अदरवाइज अवॉइड किया करें इस साइड्स को हम अच्छे से। अदरवाइज़ अगर आपने साइड्स को करें तो आप ऑयल ज़्यादा इसके अंदर डालें, इस तरह से नहीं किएगा
इसे आप अपनी केयर, सेल्फ केयर जो होती है ना, वो बहुत ज़रूरी होती है। जब भी हम किचन में जाते हैं तो कुछ टिप्स होती हैं। अब जैसे मैं जो है वो कोट पहन के यहाँ पर करती हूँ, तो आप लोग कोई एप्रन वगैरह पहन के किया करें। बहुत ज़्यादा कलर आ गया इसका, जल्दी जल्दी होने लगे हैं अभी ये। बस अब इसको हम एक से दो मिनट में यहाँ से निकाल लेंगे, ऐसा ही इसका कलर और इसकी साइड अच्छी सी। अच्छा नेहा, पोटैटो डोनट्स भी बनते हैं, आपने ट्राई किए? नहीं। कितने मज़ेदार बनते हैं। पता है एक ना हमारी शो पे, मेरे शो पे एक गेस्ट आई थी स्टार्टिंग डेज में ना, तो बात हो रही थी आलूओं की, तो उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा कि जो है आलू जो है ना वो चाय के अलावा हर चीज़ में जाता है। तो वो मुझे याद आ गई आलू देख के, वाकई आलूओं से कितनी सारी डिशेस बनती हैं और कितनी मज़ेदार बनती हैं, और बहुत सारी जो है वो रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो आलूओं से हम बना लेते हैं। जैसे अच्छा आलूओं की मतलब डिशेज़ के नाम लें जल्दी जल्दी, रैपिड फायर की तरह जल्दी जल्दी। फ्राइज़ होते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ हो गए, आलू के कबाब हो गए, आलू कीमा हो गया, आलू पालक, बहुत सारी डिशेज में हम आलू यूज करते हैं। अच्छा मतलब बस पांच बताई है इन्होंने, लेकिन है बहुत सारी। आलू कोरमा हो गया, आलू गोश्त हो गया, और बहुत ज्यादा है, आलू मटर हो गया। एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा डिशेज हैं। अच्छा ऐसे बताए ना, आलू मेथी, आलू मटर, आलू गोभी, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा जो है वो होता है। अच्छा साथ साथ मुझे बताए कि मतलब पाकिस्तानी मूवीज देखती हैं? पाकिस्तानी मूवीज नहीं देखती हैं। अच्छा क्या चीज़ देखती हैं, मतलब क्या मतलब जब मोबाइल हाथ में होता है जी, तो सोशल मीडिया ही वर्क हो रहा होता है, या अपना ग्राफिक का काम कर रही होती हैं, या जो है वो कोशिश ही होती है कि ज़्यादातर अपने काम पे कंसंट्रेट करूँ मैं, यानी कि काम ही अच्छी है जी। ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम बर्गर्स की को असेंबलिंग की तरफ। तो सबसे पहले आपने क्या बनानी है? सॉस बनानी है। अच्छा सॉस के लिए मैं आपको एक बाउल दे देती हूँ, और सॉस के लिए बता दें क्या क्या चीजें हैं आपके पास। ये मेरे पास मायोनीज है, सॉल्ट है, और ये केचप है। आई थिंक आपने मस्टर्ड पेस्ट, मस्टर्ड पेस्ट जी, ये रहा आपका मस्टर्ड पेस्ट, मैंने सॉरी वहाँ रख दिया था। ये मस्टर्ड पेस्ट भी इसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो स्पून दे दीजिए। मैं आपको स्पैचुला दे देती हूँ, उससे आसानी से ये आप निकाल लेंगे, और ये स्पैचुला से। अच्छा कितनी मायोनीज है ये? मायोनीज 2 टेबल स्पून, 2 to 3 टेबल स्पून है। 3 टेबल स्पून यहाँ पर मायोनीज है, और ये केचप है 1 टेबल स्पून होगा ये। ठीक है ठीक है, 3 टेबल स्पून मायोनीज, 1 टेबल स्पून केचप, और ये मस्टर्ड पेस्ट शामिल करेंगे इसमें हम। मस्टर्ड पेस्ट की क्वांटिटी कितनी लिया आपने? 1 टीस्पून भर के लेंगे, 1 टीस्पून सही, क्योंकि मस्टर्ड हमेशा कम जाता है, बहुत हार्श इसका फ्लेवर होता है, तो बहुत संभाल के मस्टर्ड पेस्ट जब अपने परफेक्ट रेशो में जाता है ना, तो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देता है, और बहुत मज़ेदार होता है ये। और दूसरी चीज़ ये कि ये इतना मतलब फ़ायदेमंद होता है कि तो ये मस्टर्ड पेस्ट आपको पता है कि किस चीज़ से बनता है? नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, मस्टर्ड पेस्ट जो है वो सरसों से बनता है, और बहुत फ़ायदेमंद होता है ये, बहुत ज़्यादा इसका पेस्ट पूरा प्रोसेस के तरीके से ये बनाया जाता है। और हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। अच्छा सॉस हमारी यहाँ पे हो गई है रेडी। 3 चीज़ें इन्होंने ऐड करी हैं इसके अंदर, इन्होंने मायोनीस, केचप, और इसके अंदर इन्होंने ऐड किया है मस्टर्ड पेस्ट। अच्छा जी, यहाँ पर सॉस हमारी रेडी हो गई है, पोटैटो पैटीज तैयार हो गई हैं, और अब बारी है सिर्फ बर्गर की असेंबलिंग की, और जब तक टाइम है एक छोटे से ब्रेक का, सो लेट्स गेट टेक अ शॉर्ट ब्रेक। Our break, और ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस, और बने हैं यहाँ पर पोटैटो पैटी बर्गर, और करेंगे हम सब इसकी असेंबलिंग। और अच्छा नेहा, मुझे ये बताएं जी कि मैं मतलब शो में बुलाती हूँ ना, तो मैं चाहती हूँ मेरे व्यूवर्स को कोई फ़ायदा मिले, तो मुझे ये बताएं कि वीनस के थ्रू कोई कॉल करके आपको कहता है तो उसको कोई डिस्काउंट मिलेगा, कोई ग्राफिक का कोई काम उसको? जी, अगर कोई मुझे आपका रेफरेंस देके मुझे कोई कॉल करता है तो मैं उसको 50% ऑफ दूंगी। ओह माय गॉड, पोस्टर हो, लोगो हो, कोई भी मतलब ब्रोशर हो,
हर चीज पे 50% ऑफ दूंगी। जबरदस्त, यानी कि 50% ऑफ मिल रहा है आपको आपकी शेफ शाहिना की तरफ की वजह से। और क्योंकि अब मैंने यही सोचा जो भी मेरे शो पे गेस्ट आएगा वो किसी भी चीज से फील्ड से बिलोंग करेगा, तो मैं उनको यही कहूंगी कि उन्होंने जो है वो देना है, साथ साथ जो है वो डिस्काउंट देना है ताकि आप लोगों का भी फायदा है और मेरा भी फायदा। बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा जी, अब असेंबलिंग करेंगे और किस तरह से करेंगी मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले हमने ये बन ले लिया, इसमें हम लोग जो हमने यहाँ पे सॉस रेडी किया था वो उस पर लगाएंगे हम। अच्छा ये कोई मसला नहीं, नो इशू, इसको हम साइड पे इधर रखते हैं। ठीक है, आप आराम से इस पर स्प्रेड कर लें। लगा दिए इन्होंने सॉस, और अब क्या लगा रही हैं? लेटस लगा रही हैं। भाई बताएं ना, साथ साथ बताएं ना कि मतलब क्या क्या हो रहा है, मतलब बताएं साथ साथ। नेहा लेटस बर्गर पे लगा रही हैं या बर्गर लेटस पे लगा रही हैं? बर्गर लेटस बर्गर पे लेटस लगा रही हूं। अच्छा अच्छा जबरदस्त। अच्छा आज मैं कितनी फ्री हूँ ना आप लोगों के सामने, मैंने कोई काम नहीं करा है बिल्कुल, मतलब अब आराम से बिल्कुल मैं यहाँ खड़े होकर सिर्फ बातें हो रही हैं आप लोगों से, और मैं कोशिश यही करती हूँ कि आप लोगों से बातें थोड़ा सा टाइम दे सकूँ और आप लोगों से बातें कर सकूँ। लेकिन रेसिपीज़ कभी ऐसी होती हैं थोड़ी ज़्यादा उसकी होती हैं, थोड़ी लेंदी रेसिपीज़ होती हैं। वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि मैं नहायत ही आसान तरीके से आपको रेसिपीज़ बनानी सिखाऊँ। अच्छा जी ज़बरदस्त, लेटस अभी लग चुका है बड़ी स्पीड में, कबाब भी उस पर रखे जा चुके हैं, और अब क्या करेंगी? अब बस ठीक है कवर। अच्छा एक दफा अगर हम इसमें और सॉस लगा दें तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा ना। ये हम जरा जरा सा लगाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी लगा चुके हैं ना। इसमें आज मामा देख रही होंगी इनकी और खुश हो रही होंगी कि भाई बड़े मज़ेदार से जो है ना बर्गर बन रहे हैं, और घर जाके ये वाले बर्गर मुझे लग रहा है कि ना बहने या मामा में से कोई फरमाइश करने वाली है कि भाई नेहा तुमने वहाँ बनाए तो अब यहाँ पे भी बनाओ, है ना, ऐसे ही होने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा दोस्तें फरमाइश करती हैं कि हम आएंगे तो ये बनाना, या हम आएंगे तो चलो ये ऑर्डर कर लेते हैं, क्या होता है? ऐसा होता है ज़्यादातर। अच्छा आप तो जंक फूड वाली है ना, जंक फूड ही जो है ना बना भी जंक फूड ही रही है। देखो आई पोटैटो तो है लेकिन है तो जंक फूड ही ना, बर्गर तो जंक फूड है भाई। इसको हम कवर कर देंगे। अच्छा जबरदस्त, ठीक है ये हमारे रेडी हो गए जी। तो यहाँ पर जो है वो मज़ेदार से पोटैटो पैटी बर्गर रेडी हो गए। अच्छा इन्होंने एक स्माइली सा बनाया था, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा और बहुत क्यूट लगा, और इस पर सर्व करेंगे आप बर्गर को। जी जबरदस्त। तो आज की हमारी रेसिपी हो गई है डन, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पैटी बर्गर्स बन गए। अच्छा इसके साथ साथ मैं जो है वो आप लोगों को ये बताती चलूँ कि अगर आप भी चाहते हैं इस तरह यहाँ पर आएँ और कोई रेसिपी हमें बनाएं और बनाएं हमारे सामने और मुझसे मिलें, तो फेसबुक पेज है वीनस आईची टीवी का भी, और उस पर भी जाके आप मैसेज कर सकते हैं अपनी इंट्रोड, अपना जो सारा आपकी डिटेल्स होती है, कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं वो आप वहाँ पर सेंड कर सकते हैं मैसेज। और साथ साथ मेरा भी पेज है शेफ शाहिना शुमाइल के नाम से, वहाँ पर भी आप जाकर मैसेज कर सकते हैं हमें। और इसके साथ ही आज बहुत मज़ेदार से इन्होंने पैटी बर्गर बनाए, और कल हम इंशाल्लाह एक नई रेसिपी बनाएंगे, और वीकेंड के बाद हम मिले हैं आपसे। पिछला वीकेंड हमने सारा सी फूड बनाया था, बहुत ही मतलब अच्छे कमेंट्स आए मुझे, बड़ा अच्छा फीडबैक मिला, आप लोग फीडबैक देते हैं। अच्छा नेहा कैसा लगा आपको हमारे शो में? बहुत अच्छा लगा आपके शो पे आके। अच्छा। और बहुत रिलैक्स होकर मैंने सब कुछ किया। जबरदस्त, और फाइनली देखें मेरी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट इन्होंने रेसिपी आज तैयार की है। अच्छा रीकैप करेंगी रेसिपी का कि क्या क्या इसमें, क्योंकि रीकैप थोड़ा सा एक कर दें ताकि कोई चीज अगर व्यूअर्स से आगे पीछे हो गई। वैसे रेसिपी कार्ड तो हमारी स्क्रीन पे चल रहा है और वो भी देख सकते हैं साथ साथ, लेकिन आप भी थोड़ा सा रीकैप कर दें। इंग्रेडिएंट्स से दोबारा? हाँ इंग्रेडिएंट्स से बताएं। हमने आधा किलो हमारे पास आलू थे मैश हुए हुए, उसमें हमने क्या कहते हैं कुटी हुई लाल मिर्चें,
नमक और क्या कहते हैं प्याज और काली मिर्च पाउडर, लहसुन पाउडर, ये सब हमने उसमें शामिल किया था। उसके बाद हमने एक पेस्ट बनाया था मायोनीज का, मायोनीज टोमेटो और मस्टर्ड पेस्ट हमने शामिल करके वो पेस्ट अलग बना दिया था। ठीक है, उसके बाद हमने वो जो हमने अपना वो बनाया था ना क्या कहते हैं कबाब के लिए, तो कबाब के लिए हमने बना दिया था। उसके बाद हमने उसको ब्रेड क्रम्स में डाल के मैदे में और अंडे में डिप करके उसको हमने फ्राई करने रखा। जब हमारे फ्राई हो गए तो फिर हमने अपना मस्टर्ड सॉस, हमने सॉस रेडी किया था वो हमने इसके ऊपर लगाया, कबाब अपने रखे और हमारे बर्गर यहाँ पे तैयार हो गए। जबरदस्त। तो यहाँ जो है वो इनके बर्गर तैयार हो गए, बर्गर्स बहुत जबरदस्त से इन्होंने बनाए हैं। स्माइली फेस भी आपका नजर आना चाहिए ना जो आपने इतने बनाया। अच्छा जी, और यहाँ पर इनके बर्गर्स भी तैयार हो गए और बहुत शुक्रिया नेहा आपके आने का और हमें टाइम देने का और रेसिपी बनाने का। और आई होप आपको आज का प्रोग्राम बेहद पसंद आया होगा और इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे एक नए दिन और एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।